दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड में कुछ गलत जानकारी दिया हुआ है, जैसे कि आपका एड्रेस हो गया, आपके पिताजी का नाम हो गया या पति का नाम हो गया, अगर आप वो चेंज कराना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल आप ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही स्टेप बाय स्टेप पूरी ट्यूटोरियल बताऊँगा। ये 8 मिनट के वीडियो है, अगर आप पूरा कंप्लीट मेरी बात को समझ लेते हो तो आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जितने भी ये चेंजेस करेक्शन के जितने भी संबंधित है, सारा डॉट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे हैं नेट मास्टर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आप अपने आधार कार्ड में शुद्धिकरण कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मोबाइल के स्क्रीन पर जाके बता देता हूँ। दोस्तों, आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको UIDAI लिख के आपको सर्च कर देना है। जी हाँ दोस्तों, ये आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI.gov.in। तो आपको सबसे ऊपर ही आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं सबसे ऊपर ही क्लिक कर देता हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट खोल के आप लोगों के सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो उसको देख पा रहे हैं, तो आपको नीचे आना है, नीचे स्वाइप करना है और यहाँ पे आधार अपडेट सेक्शन में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस पर आपको देखिए एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो है अपडेट डेमोग्राफिक डेटा ऑनलाइन। ये आप पहले नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल नया आया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं अपडेट आधार डेमोग्राफिक डेटा। तो चलिए मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, आपको इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। चलिए मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो आपको पहला ही ऑप्शन आपको चूज करना है, प्रोसेस टू आधार अपडेट। तो आपको इसके ऊपर ही, सबसे ऊपर ही आपको क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे अपना आधार नंबर लिख देना है और जो भी कैप्चा है वो आपको सही से यहाँ पर भर देना है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर आधार नंबर और कैप्चा मैंने सही से भर दिया है। उसके बाद आपको सेंड OTP के ऊपर ही क्लिक कर देना है। तो मैंने क्लिक कर दिया। अब आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, जैसा कि ऊपर पे आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे पास OTP यहाँ पे आ गया है। तो चलिए मैं OTP यहाँ पे डाल लेता हूँ। दोस्तों, मैंने OTP डाल दिया। उसके बाद आपको लॉगिन के ऊपर ही क्लिक कर देना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने सक्सेसफुल लॉगिन हो लिया है। अब आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, दो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, पहला है अपडेट डेमोग्राफिक डेटा और दूसरा है अपडेट आधार व्यू सीक्रेट कोड। यानी कि अगर आपको कोई प्रूफ नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन के साथ डाल सकते हैं। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। चलिए मैं पहला ऑप्शन ऊपर वाला ही आपको क्लिक कर देना है, डेमोग्राफिक डेटा के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप पति का नाम चेंज कराना चाहते हैं या पिता का नाम चेंज कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एड्रेस वाला सेक्शन चूज करना है। अगर आपका नाम गड़बड़ है तो सिंपल आपको यहाँ पर नाम वाला पर टिक करना पड़ेगा। नाम वाला पर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपको डेट ऑफ बर्थ वाला के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपका एड्रेस गलत है तो आपको एड्रेस वाला पे क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा है तो आप एक साथ सबको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका सब गड़बड़ है तो आप सभी के ऊपर टिक कर दीजिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं खुल रहा है, यानी कि इसको आपको सेंटर पे ही चेंज कराना पड़ेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो चलिए मैं आप लोगों को अभी पिता या पति का बोल रहा हूँ, एड्रेस का बोल रहा हूँ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है या नाम गलत है तो उसके ऊपर आप टिक करने दीजिए, आगे आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सिर्फ एड्रेस को ही रहने देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ को मैं छोड़ देता हूँ। तो चलिए मैं ओके करता हूँ। और यहाँ पे आपको पूरा जानकारी दिया जा रहा है कि कितने बार आप कितने चेंज कर सकते हैं। जैसे कि नाम है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितने बार चेंज कर सकते हैं। तो जेंडर आप सिर्फ एक बार चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी आप ओनली लाइफ टाइम एक बार चेंज कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी यहाँ पर पूरी तरह दी गई है, तो इसका जो जानकारी है पूरी तरह से आप पढ़ लें। तो सिंपल आपको एस के ऊपर क्लिक करना है और प्रोसेस के ऊपर ही आपको क्लिक कर देना है। अगर जैसे कि किसी का शादी भी हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता है, पति का नाम डालना पड़ता है, पिता का नाम हटाकर। ये वही मैं आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं केयर ऑफ में ही आपको डालना है। जैसे कि आपका पति का नाम है तो केयर ऑफ में अपना पति का नाम डालिए, और अगर आप पिता का नाम डालना चाहते हैं, चेंज कराना चाहते हैं, तो केयर ऑफ में अपने पिता का नाम डाल दीजिए यहाँ पे ऊपर में। तो केयर ऑफ में अपने पिता का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको हिंदी में अपने आप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हाउस, दोस्तों बताना चाहूँगा जिसके आगे स्टार लगा हुआ है उसी को डालना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बिल्डिंग में अपना बिल्डिंग नंबर डाल दिया है, और स्ट्रीट में अपना जो भी टोला वोला है तो वो डाल दीजिएगा। मैं आप लोगों को पूरा स्थान में आप खाली छोड़ सकते हैं, लैंडमार्क को भी आप खाली छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिन कोड डालिएगा तो आपका विलेज अपने आप यहाँ पे सेलेक्ट करने का आ जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अपने पिन कोड के अंदर जितने भी विलेज रहेंगे सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे।
और उसके बाद नीचे आपको पोस्ट ऑफिस अपने आप आ जाएगा सेलेक्ट करने के लिए, आपको कुछ डालना नहीं है। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट अपने आप आपको ले लेगा। उसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको अपना एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा प्रूफ के लिए, ये आप बैंक पासबुक लगा सकते हैं। तो चलिए सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर गए, यह देख पा रहे हैं बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक, ये सभी के पास होता है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड भी आप दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं तो आपके पास जो भी अवेलेबल है, पासपोर्ट हो गया, स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, जो भी चीज़ आपके पास है। चलिए मेरे पास यहाँ पे बैंक का पासबुक है तो मैं यहाँ पे बैंक पासबुक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको अपलोड के ऊपर ही आपको क्लिक कर देना है और आपको गैलरी से जो भी है वो बैंक को पासबुक को यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। ये मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद आपको प्रीव्यू के ऊपर ही आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं प्रीव्यू के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। तो दोस्तों आप लोग अगला पेज कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आपका एड्रेस यहाँ पे आ गया और बैंक का पासबुक भी, तो मिला लीजिए। अगर ये गलत है तो आपका गलत जानकारी अगर यहाँ पे है तो आप सही दोबारा नहीं कर सकते हैं, तो एक बार यहाँ से सही से मिला लीजिए। अगर गलत है तो एडिट के क्लिक करके आप फिर से दोबारा एडिट कर सकते हैं। अब चलिए आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपको कैप्चा जो भरा है उसको सही से यहाँ पे डालना है। उसे डालने के बाद सिंपल आपको सेंड ओटीपी के ही ऊपर क्लिक, तो आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर पे एक ओटीपी आ गया है 12 20 32, तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे मेरे अभी ओटीपी आया, उसको मैं डाल के मेक पेमेंट के ऊपर ही आपको क्लिक कर देना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं आइए पेमेंट आपको यहाँ पे 50 रुपये का करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पे पेमेंट कर दोगे तभी आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना अगर आपका एटीएम कार्ड है तो यहाँ पे एटीएम का डिटेल भर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे कार्ड नंबर हो गया, डेट ऑफ मंथ। तो चलिए मैं नेट बैंकिंग के थ्रू से पेमेंट करूँगा, तो नेट बैंकिंग में क्लिक कर देता हूँ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेलेक्ट में कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे 50 रुपीज़ का यूजर नेम पास। दोस्तों मैंने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड मैंने डाल दिया, उसके बाद लॉगिन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो लॉगिन पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको कितने रुपये पेमेंट होंगे उसका पूरी जानकारी दिया जा रहा है, कंफर्मेशन आपको कर देना है। कंफर्म मैंने कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना पड़ेगा। बैंक की तरफ से अभी ओटीपी आएगा, आ गया मेरे पास 50 रुपये का, तो ओटीपी को यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए मैंने डाल के कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल आपका हो गया है। आपको यहाँ पे छिड़कानी कुछ करना नहीं है वरना फेल हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 50 रुपीज़ कट हो गए हैं और ये अपने आप रिडायरेक्ट हो जाएगा आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो चलिए मैं वेट कर लेता हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल आपका सब कुछ हो गया है। अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको आप लोग SRN नंबर पे आपके SMS में चला जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और आपको डाउनलोड पेमेंट रिसिप का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको ये पेमेंट स्लिप डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। चलिए मैं डाउनलोड करके इसको रख लेता हूँ। और दोस्तों आपको स्टेटस पता करने के लिए आपको चेक आधार अपडेट स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके SMS में जो SRN नंबर दिया गया था उसको डाल देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, तो आपका पूरा डिटेल बता देगा कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। 7 दिनों के अंदर ही अपडेट हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि ये ऑनलाइन प्रक्रिया होता है। दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप ये सेवा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का आधार में मोबाइल नंबर लिंक है और उनके आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ है, जैसे नाम हो गया या पति का नाम डालना चाहते हैं या एड्रेस बदलना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ बदलना चाहते हैं, वो सब कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, इसके लिए तो मैंने अलग से वीडियो बना ही रखा है बहुत पहले। उस पर आप सेंटर पर जाके मोबाइल नंबर एक बार अपडेट करा लीजिए, उसके बाद आप जो मन चाहे वो चेंजेस खुद से कर सकते हैं घर बैठे। तो आई होप कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा और मेरी बात आप पूरा सीख गए होंगे कि क्या आखिर ये सिस्टम है। सारा का सारा ये मोबाइल नंबर पर ही है। जिन लोगों का आधार में मोबाइल नंबर लिंक है उसका कोई दिक्कत